में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ को गले लगाकर पीठ भी थपथपाई। उसके बाद इसरो प्रमुख ने प्रधानमंत्री को चंद्रयान 3 की प्रोसेस के बारे में जानकारी दी। इसरो चीफ ने पीएम मोदी को मॉडल से लैंडिंग प्रोसेस समझाया और इसरो प्रमुख ने पीएम को चांद से आई तस्वीरें भी भेंट की। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। आपको दिक्कत हुई होगी लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं ये कोई साधारण सफलता नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंच गए और इसरो कमांड सेंटर पहुंचकर वैज्ञानिकों से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की टीम के सभी वैज्ञानिकों के साथ तस्वीर खिंचवाई। इसरो सेंटर पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को शाबाशी दी और गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाई। जिसके बाद पीएम ने स्पेस सेंटर के अंदर जाकर चंद्रयान 3 की बारीकियों को भी समझा। इसरो चीफ ने उन्हें मिशन की पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया तो इसरो की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया और इसी की अलग अलग 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।
अब तीन तस्वीरें आप देखिए, इसरो सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा को खत्म करने के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंच गए, वैज्ञानिकों से भी मुलाकात की, जिनके परिश्रम से, जिनकी कड़ी मेहनत से ये सबसे बड़ा मून मिशन सक्सेसफुल हुआ, उनसे मुलाकात की, उनकी पीठ थपथपाई। तीसरी तस्वीर आप देखिए, इसरो में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो जोश भी हाई दिखाई दिया, क्योंकि एक एक वैज्ञानिक जो उस वक्त इसरो के भीतर मौजूद था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहा था, उनको सुन रहा था, हर किसी की कड़ी मेहनत से, और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, और वो खुद बाकायदा संबोधित करते हुए भावुक भी हो गए, क्योंकि उनकी तरफ से बताया गया कि ये सबसे बड़ा मून मिशन भारत के लिए था, और जिसे साकार कर दिखाया है, उस सपने को पूरा कर दिखाया है इसरो के वैज्ञानिकों ने। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसरो सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो ग्रुप फोटो भी यहां पर खिंचवाई गई, और इस फोटो में वो तमाम वैज्ञानिक हैं जिनका चंद्रयान 3 में सबसे बड़ी भूमिका रही, वैज्ञानिकों से मुलाकात की, इसरो में जोश आया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित भी किया गया। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए भावुक भी हो गए और उन्हें सैल्यूट किया। आपको दिक्कत ही होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि वो यहां आने के लिए काफी बेसब्र थे, मैं विदेश में था लेकिन मेरा मन यहीं था। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा साथियों, ये समय मुझे यहां उद्बोधन का नहीं है, क्योंकि मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बेंगलुरु के नागरिकों ने अभी भी उस पल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही यह भी कहा कि चंद्रयान 3 का लैंडर अंगद की तरह मजबूती से अपना पैर जमाए हुए है, एक तरफ विक्रम का विश्वास है और दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम। इंडिया इज ऑन द मून,
वी हैव अवर नेशनल प्राइड प्लेस ऑन द मून। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्यों को तो खोलेगा ही, साथ ही धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और चंद्रयान महाअभियान से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। साथियों, मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पदचिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। 21वीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है, जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में, पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है, वो पल अमर हो गया।
भोपाली सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज सुबह स्वदेश लौटे, पीएम ग्रीस की राजधानी एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंच गए। सुबह करीब 6 बजे का वो समय था जब उनका विमान एचओएल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोग तिरंगा झंडा लेकर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए नए जवान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नया नारा भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही यह भी कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में देश को गौरवान्वित किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को की प्रशंसा भी की, कहा वैज्ञानिकों ने देश को बड़ी सौगात दे दी है। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा साथियों, ये समय मुझे यहां उद्बोधन का नहीं है क्योंकि मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बेंगलुरु के नागरिकों ने अभी भी उस पल को उमंग और उत्साह से जी करके दिखा रहे हैं। इतने सुबह जो मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। देश के वैज्ञानिक, देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया, दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह। और उधर ग्रीस से स्वदेश रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी एथेंस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम से मिलने के लिए वहां लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जमकर नारे लगाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वहां भारतीय समुदाय